एक योगी की अलग प्रीति होती है, एक संसार की फिर अलग प्रीति होती है, पति पत्नी की अलग तरह की थोड़ी सी प्रीति होती है, माँ और बेटी की अलग प्रीति होती है, माँ और बेटा की थोड़ी सी अलग प्रीति होती है, उस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनमें। हम असुरों से भी प्रीति करते हैं तो अलग प्रीति होती है, असुरों के साथ प्रीति यही होती है कि हम उनको भी उस दुख से, उस अशुभ आचरण से मुक्त देखना चाहते हैं। वो एक अलग तरह की, वो प्रीति के ही अलग 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 रूप है, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार। वो प्रीति कैसी होनी चाहिए हमारी? धर्मानुसार। और जीवन भी पूरा हमारा आचरण, मैंने कहा तीन बातों में इस सत्य को कहा, आचरण बोलो, व्यवहार बोलो, पुरुषार्थ बोलो। हमारे पुरुषार्थ में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? प्रीति। और क्या होना चाहिए? वो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? धर्मानुसार। तो मैं कह रहा था यहां कुछ ना थोड़ा सा लोग डोलते रहते हैं, स्वामी जी हम तो गृहस्थ हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा। और ये जो हमारी तरह से जो संन्यास के मार्ग पर होते हैं ना, ये गृहस्थियों को इतना विचारों को हीन भावना से भर देते हैं कि तुम तो उभर सकते नहीं और देखो हम उभरे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे ही आप हो। आप गृहस्थ में रह करके भी वहीं पहुंचोगे और मैं संन्यास में भी रह करके जीवन के उसी गंतव्य तक, साध्य तक पहुंचूंगा। अभी आपसे बता रहा हूं, मैंने कई बार कहा ये दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं थोड़े वाचाल हो जाते हैं, थोड़े बुद्धिमान लोग होते हैं ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इनका। दुनिया को खतरा कम पढ़े लिखे लोगों से नहीं है, दुनिया को खतरा अनपढ़ लोगों से भी नहीं है, दुनिया को खतरा गरीब लोगों से भी नहीं है। दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है तो पढ़े लिखे और समर्थ लोगों से है। ये बहुत तरह से दुनिया को भरमाते हैं, कुछ सामाजिक दृष्टि से, कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, कुछ राजनीतिक दृष्टि से, पूरी दुनिया को पागल बना के रखते हैं। यदि ये समझदार लोग और समर्थ लोग बाउंड्रियां नहीं खींचते तो आज पूरी दुनिया में देशों की कोई सीमा ही नहीं होती, ये सारा ब्रह्मांड एक ही होता। इन्होंने अपने स्वार्थों के लिए दुनिया के देशों की बाउंड्रियां काट दी। ना ये खेती करते, ना ये नौकरी करते, ना ये कोई मैन्युफैक्चरिंग करते, ना ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चलाते, ना ये योग सिखाते, ना आरोग्य देते, ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में, ना रिसर्च में, दुनिया का कोई काम नहीं करते। ये इतने शातिर होते हैं पूरी दुनिया को कैसे लड़ाया जाए और इनके द्वारा अपनी सत्ता को कैसे कायम रखा जाए, उसके लिए ये पूरा जुगाड़ तिकड़म करते रहते हैं। सबकी एक ही फितरत होती है, मेरी सत्ता कैसे बरकरार रहे और लोग कैसे झगड़ते रहे। आप कहें बाबा जी सबकी ऐसी फितरत बता दी आपने, एक आधा तो अपवाद छोड़ दे। सबका मतलब ही ऐसा ही होता है कहने का तात्पर्य, क्योंकि ये मैं मीडिया में बयान नहीं दे रहा, मीडिया में तो इतनी देर में तो बवाल हो जाता है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, और आपको अच्छा किसी दूसरे को ऐसे क्रिटिसाइज किया जाए ना तो बड़ा मजा आता है, लगता है हम अच्छे हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनको निकृष्ट बताना या आपको श्रेष्ठ बताना, मैं कह रहा था 99.99% कहने का मतलब होता है, या अधिकांश कहने का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वो बाबा हो, साधु संन्यासी हो, चाहे वो व्यापारी हो, पूरी दुनिया की पावर किन के पास में है? या तो जो बुद्धिजीवी है उनके पास है, या कॉर्पोरेट्स के पास में, पॉलिटिशियंस के पास में, एग्जीक्यूटिव्स के पास में, ये पूरी दुनिया के एग्जीक्यूटिव्स, ये पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, ये पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट के लोग, और कुछ तथा कथित सो कॉल्ड रिलीजियस लोग। वैसे आध्यात्मिक महापुरुषों की चेतना अलग होती है बिल्कुल, उनमें 99% निर्दोष मिलेंगे आपको आध्यात्मिक चेतना वालों में। मैं इसलिए सो कॉल्ड रिलीजियस लोग, यदि पोप एक बार यह कह दे कि धर्म बदलने से जीवन नहीं बदलेगा, आचरण बदलने से जीवन बदलेगा, तो धर्मांतरण खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से। धर्मांतरण करने से होगा क्या भैया?
अरे जीवन बदलो, आचरण बदलो, कर्म बदलो। मैंने कभी नहीं कहा कि धर्म बदलो, मैंने हमेशा कहा अपने विचारों को बदलो, अपने जीवन पद्धति को बदलो, अपने खान पान को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपनी वाणी को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो। तो मैं यदि राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो दुनिया का सबसे विद्रोही आदमी हूं। ये राजनीतिक शब्द बोला मैंने, राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो मैं दुनिया का सबसे विद्रोही आदमी हूं, क्योंकि मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूं कि धर्मांतरण करो। मैं वैचारिक दृष्टि से कहूं तो इस विचार का समर्थक नहीं हूं कि देशों में दुनिया को बांटो, जातियों में लोगों दुनिया को बांटो, मजहबों में, पंथों में दुनिया को बांटो, नस्लों में दुनिया को बांटो, स्त्री और पुरुषों में दुनिया को बांटो, जवानों और बुढ़ों में दुनिया को बांटो, यही चल रहा है। मैं कह रहा था ये दुनिया में जो थोड़े दिमाग वाले लोग हैं और जो थोड़े ताकतवर लोग हैं ना, उन्होंने हमको इतना बावला बना रखा है, लोग इसी में पागल रहते हैं और फिर सोचते हैं अरे हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तूने देखा धार्मिक लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं बाबा जी, हमारा जीवन तो बहुत निम्न कोटि का जीवन है, बहुत घटिया जीवन है, बहुत सामान्य जीवन है, बहुत तुच्छ जीवन है, ऐसी दीनता, ऐसी हीनता, ऐसी दरिद्रता, ऐसी हीन भावना अपने भीतर संजोई रहते हैं। नहीं भाई, तुम परस्पर प्रीति पूर्वक व्यवहार करो और जो अपना अपना धर्म है, तुम गृहस्थ धर्म में हो तो गृहस्थ धर्म का पूरी प्रामाणिकता से पालन करो। धर्म व्यापार में है तो व्यवसाय धर्म है, उसका पालन करो। प्रॉफिट आटे में नमक की तरह, कम प्रॉफिट लो। मैंने अभी कई टीवी के साक्षात्कार हुए तो मैंने कहा ज्यादा प्रॉफिट को हमारे यहां पर मुनाफाखोरी कहा जाता है, और मुनाफाखोरी और चोरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, उसको नाजायज फायदा कहते हैं। नाजायज जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो भी उतने ही अपराधी हैं जितने चोर और भ्रष्टाचारी हैं। बाबा जी ने साबुन बनाई और 15 रुपए की साबुन 45 रुपए में बेची, या 45 रुपए की साबुन 200 रुपए में बेची, 200 रुपए का जूस 1000 रुपए में बेचा, और 500 रुपए का घी यदि 800 रुपए में बेचा, तो ये भी भाई बाबागिरी नहीं है। साधु काम करो, जो भी काम करना है करो, पवित्रता से करो, सुचिता से करो, आगे बात उसकी भी करूंगा मैं। व्यापार का भी एक धर्म है, गृहस्थ का भी एक धर्म है, आप पिता की भूमिका है तो पिता का एक धर्म है, आप पिता भी हैं, आप पुत्र भी हैं, आप अपने माँ बाप के लिए बेटे बेटियां हैं, एक बेटा बेटी का धर्म है, और अपने बच्चों के लिए आप बाप हैं, माँ हैं, एक माँ का धर्म है। एक धर्मानुसार माँ का धर्म निभाओ, पिता का धर्म निभाओ, पुत्र का धर्म निभाओ, गुरु का धर्म निभाओ। मैं आपके लिए गुरु हूं और अपने गुरु के लिए मैं शिष्य हूं, मैं अपना शिष्य का भी धर्म निभाता हूं और अपना गुरु का भी धर्म निभाता हूं। मैं भी अपने माता पिता के लिए उनकी तो संतान ही हूं, तो उनका मैं अपना पुत्र धर्म भी निभाता हूं। पुत्र वही नहीं होता जो अपने जैसे 10-20 पैदा करता है, पुत्र वो होता है जो अपने आचरण से अपने माता पिता को पवित्र कर देता है, संतुष्ट कर देता है अपने आचरण से। पुनातीति पुत्र, जो पावन कर दे वो पुत्र होता है। कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी आपने पुत्र धर्म कहा निभाया, भाई आप तो गृहस्थी बने ही नहीं। हम बहुत छोटी छोटी बातों में ठहर जाते हैं कि बेटे का मतलब है, बेटी का मतलब है बच्चे पैदा करना। ये तो जीव जंतु सब कर ही रहे ना, चीटी से लेकर के हाथी तक, चिड़िया, पंछी, छिपकली, सांप, मछली, सब कर रहे हैं काम। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं भी करना, 99% उसी धारा में है ना। तो कैसा व्यवहार करना, प्रीतिपूर्वक कैसा व्यवहार करना, और प्रीति का सबसे बड़ा तत्व क्या है,
ईश्वरीय तत्व, सब हमें ईश्वरीय तत्व को देखोगे तो सबसे प्रेम होगा, जैसे मुझे सबसे और सबको मुझसे। तो प्रीति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? भगवान। और धर्मानुसार ये धर्म शब्द ना बड़ा व्यापक है, पिता का धर्म, माँ का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, कृषक का धर्म, व्यापारी का धर्म, कर्मचारी का धर्म, अधिकारी का धर्म। मैंने देखा आध्यात्मिक लोगों में धर्मशास्त्र की चर्चा कम होती है, मोक्ष शास्त्र की ज्यादा होती है। जब भी बैठे तब मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करने कहाँ जाओगे, तो धरती पर जीना भी सीख लो थोड़े दिन। जब देखो तभी मोक्ष शास्त्र की चर्चा होती है। भैया मोक्ष शास्त्र कोई चर्चा करने का विषय नहीं होता है, धर्म पूर्वक जियोगे तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। धर्म पूरा निभाओ अपना। आप में से भी यहां भी बैठे हैं कई जीव जंतु, बाबा जी मुक्ति दिला दो। हम नाम ले दूंगा तो उनको थोड़ा कष्ट हो जाएगा। बाबा जी मुक्ति दिला दो, समाधि लगा दो। अरे भाई समाधि लग जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, थोड़ा धरती पर जीना भी सीख ले। अपना स्वधर्म निभाना सीखे तो आप अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपने धर्म को निभाया है। जब मैं विद्यार्थी था तो विद्यार्थी धर्म पूरा निभाता था, जब आचार्य था तो आचार्य का धर्म पूरा निभाया। अभी भी हूं, अभी कौन सा भी नहीं हूं, अभी भी विद्यार्थी भी हूं, अभी भी आचार्य भी हूं। मैंने कहा अभी भी मैं शिष्य भी हूं, मैं गुरु भी हूं। धर्म अपना पूरा निभाना तो धर्म पूरा निभाने से तुम्हारे पास अर्थ आता है। अर्थ माने सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य माने वैभव, सब प्रकार का वैभव। और उससे तुम्हारी सारे शिव संकल्प पूर्ण हो जाते हैं और तुम मकाम हो जाते हो। और मैं जीते जी स्थिति को अनुभव करता हूं, आप भी करो। आनंद पूर्ण एकदम अकाम हो करके, कोई अविवेकपूर्ण कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे जी सकते हो तुम भी, इसी जन्म में जी सकते हो, अभी से जी सकते हो। पहले दृष्टि साफ करो, दृष्टिकोण साफ होते ही आधा काम तो अपने आप हो गया। फिर बस बढ़ना शुरू कर दो, एक एक कदम करके चढ़ते चलो, बढ़ते चलो, मंजिल मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ऋषि मर्यादा क्या है, पहले मैं व्यवहार की मर्यादा की बात कर रहा हूँ, फिर सुचिता की, फिर योग की, फिर स्वरूप में जीने की बात, ये एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो कैसे व्यवहार करना है बोलिए। पहला शब्द प्रीति का सबसे बड़ा तत्व क्या है? ईश्वर, भागवत तत्व, भागवत प्रीति, सब में एक ही मेरे भगवान है। ऐसा प्रेम जब होगा ना परस्पर, तो फिर आप 24 घंटे सुख में रहेंगे। सब दुखों से छूटना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं, तो प्रेम में सुख है। तो जो प्रेम करना सीख लेता है उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अर्थात त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यही मोक्ष है। जिसको प्रेम करना आ गया उसके सारे दुख खत्म। फिर थोड़ा ऊंच नीच व्यवहार कैसे देखने को मिलता है? धर्मानुसार व्यवहार तो होगा। मेरे लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, लेकिन मुझे मां की एक मर्यादा है, एक पिता की, भाई की, बहनों की एक मर्यादा, उसका ध्यान रखना पड़ता है ना। कि मेरे लिए तो शरीर के भेद अब खत्म ही हो गए, मर्यादा है किसके? धर्म की मर्यादा है, गृहस्थ धर्म की, संन्यास धर्म की, सब धर्मों की, सब चीजों की एक मर्यादा है। धर्मानुसार धर्म अब समझ में आया? बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। ब्राह्मण धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है। कुछ संगठन बने हुए हैं, अब सीमाओं पर भी जाएंगे तो सबको उपदेश करेंगे, सब प्रेम करो
वो उपदेश करते करते उधर पाकिस्तान वाला पटाखा छोड़ देता है। वो प्रीति करनी है, लेकिन कैसे? उसमें धर्मानुसार होगी वो प्रीति भी। ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म निभाना है, क्षत्रिय को क्षत्र धर्म निभाना है। उसका भावना ये नहीं है कि मैं किसी को मार रहा हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे सीमा पर इसलिए नियुक्त किया गया है कि कोई दुश्मन मेरे राष्ट्र पर प्रहार नहीं करे। यदि वो प्रहार करता है तो उसको मारना ही मेरा धर्म है। अभी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का, मैंने कहा सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करो, यही योगी का व्यवहार का सत्य है, उसके आचरण का सत्य है। लेकिन यदि कोई अपने राष्ट्र पर अतिक्रमण करता है तो मैंने कहा कपालभाति भी करो, अनुलोम विलोम भी करो, और यदि कोई उधर से एक गोली चलाए तो इधर से दो गोली चलाओ, से 100 गोली चलाओ, वो भी धर्म है। अब कुछ लोग कहते बाबा जी आप योग की बात करते करते ये युद्ध की बात क्यों करने लग जाते हो? भगवान ने योग का सारा उपदेश युद्ध की भूमि में दिया था, कुरुक्षेत्र में। तो ये जीवन को सभी दिशाओं से नहीं समझोगे तो फिर क्या होता है? ये हमारे सैनिक भाई ऐसा सोचते हैं जी हमसे तो बड़ा बाबा जी बहुत पाप होता है, सुबह से शाम तक कितने आदमियों को मारना पड़ता है, आतंकवादियों को मारना पड़ता है। अरे तू क्यों आत्मग्लानी में जी रहा है? ये तो तेरा धर्म है, कर्तव्य है। उसको क्षत्रिय का धर्म ही है कि जो इस समाज में खतरा बन गए हैं उनका सबका मोक्ष कर दो, ये क्षत्र धर्म है, उनका सबका मोक्ष कर दो। और उनके लिए प्रार्थना प्रीति करो उनसे कि हे भगवान इनको दोबारा से अच्छा शरीर अच्छा मन दे करके भेजना जिससे कि ये संसार में अशुभ ना करें। वैसे उनकी व्यवस्था ऐसी होती है, उनको इतने बड़े साइकिल में परमात्मा डालता है कि वो उनके हिंसा के संस्कार बाद में खत्म हो जाते हैं, ऐसे एक साइकिल में डालता परमात्मा। इसलिए भगवान राम ने रावण का मोक्ष किया, भगवान कृष्ण ने कंस आदि असुरों का मोक्ष किया। तो वो धर्मानुसार व्यवहार होगा, आचरण होगा। तो हमारे व्यवहार का, आचरण का, हमारे कर्म बोलो, पुरुषार्थ बोलो, उसका क्या दूसरा सत्य क्या है? एक है प्रीति। तो घर में भी बच्चों से क्या करना? प्रीति, पति पत्नी आपस में प्रीति, गुरु शिष्य आपस में प्रीति, लेकिन धर्मानुसार। अब मेरा एक धर्म है सन्यास का, एक योगी का, आपका एक धर्म है, अपने धर्म में बरतना। धर्मशास्त्र की पूरी व्यवस्था दी गई है वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, और किसी को ज्यादा ना समझ में आए तो भगवान राम के जीवन को देख लेना, भगवान कृष्ण के जीवन को देख लेना, और वो जैसे करते थे वैसे ही करना, वही धर्म है। भगवान राम ने जो जो किया वैसा करना, भगवान कृष्ण ने जो जो किया वैसा करना, महर्षि दयानंद ने जैसे जैसे किया वैसा करना, यह हम सन्यासियों का धर्म है। विश्वामित्र ने, पाणी ने, पतंजलि ने जैसे जैसे जिया, जो वो करते हैं वो हमारा धर्म है। ऋषणाम चरितम सत्यम। तो कैसा कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म? चार शब्द बोल दिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्यवहार बोलो, आचरण बोलो, पुरुषार्थ बोलो या कर्म बोलो, एक ही बात है, प्रीति पूर्वक। कैसा होना बोलो? दूसरा, तीसरा, यथा योग्य। जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी पात्रता है, यथा योग्य, बहुत बड़ा, व्यक्ति से लेकर के वस्तुओं तक, जो जैसी वस्तु है उससे वैसा व्यवहार करना। अग्नि से कैसा व्यवहार करना? अग्नि जैसा, उसको जहां आवश्यकता है वहां उससे अपना अन्न आदि का पाचन करना, उससे प्रकाश आदि लेना और उसमें हाथ नहीं जलाना, अग्नि में भी हाथ नहीं जलाना, ऊपर लाइट में भी हाथ के तार के हाथ लगा करके, और अपने जीवन को बेकार मत करना। हर वस्तु से यथा योग्य व्यवहार, अग्नि से, विद्युत से, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से, धतूरे से, भांग से, हर चीज से, सांप से, छिपकली से। आपको एक बात समझ रहे, बाबा जी ने कहा था प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, तो
भाई प्रीति का मतलब समझो तो सही। प्रीति का मतलब है सब में एक ही भागवत तत्व है, सब भगवान की रचना है, लेकिन उसका भी एक 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 व्यवस्था बनाई है, यूनिवर्सल लॉ है, उसके लिए एक पूरी व्यवस्था तय की गई है। उस व्यवस्था के तहत फिर आपको व्यवहार करना है सबके साथ। प्यार तो एक जैसा, व्यवहार कैसा होगा? यथा योग्य। अब पत्नी से पत्नी जैसा प्रेम होगा, पति से पति जैसा प्रेम होगा, गुरु से गुरु जैसा प्रेम होगा, बेटा बेटी से बेटा बेटी जैसा प्रेम होगा। तो ये बात बहुत गहरी है। कई बार अध्यात्म में भी लोग, समाज में भी, राजनीति में भी लोग, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए जी। कुछ बातें एक जैसी होनी चाहिए, जैसे सबकी शिक्षा व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन अब शिक्षा के बाद सबको अध्यापक बना दें, शिक्षा के बाद सबको डॉक्टर बना दें, सबको इंजीनियर बना दें, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार तो ये होगा, जो भी पढ़ के निकला किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को इंजीनियर, किसी का जिसमें लगा, ऐसे थोड़ी होगा। यथा योग्य, कुछ कार्यों में एक जैसे व्यवहार की अपेक्षा होती है। जैसे घर में जितने भी बच्चे हैं उनको भोजन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, लेकिन खुराक तो यथा योग्य होगी। अब एक लड़का 500 दंड लगाता है तो उसको 500 ग्राम दूध देना पड़ेगा, और दूसरा 5 कदम भी नहीं खिसकता, उसको 5 ग्राम देना पड़ेगा। एक को चम्मच से पिलाना पड़ेगा, एक को जग से पिलाना पड़ेगा। तो भाई ये तो यथा योग्य है, ये बहुत बड़ा सत्य। यथा योग्य माने गुरु के साथ गुरु जैसा व्यवहार होगा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा व्यवहार होगा, राजा के साथ राजा जैसा व्यवहार होगा, राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति जैसा व्यवहार होगा। मुझे तो पक्षपात हो गया जी। निष्पक्ष और पक्षपात रहित सत्य क्या है, न्यायपूर्ण सत्य क्या है, हम लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। यथा योग्य बहुत बड़ा व्यापक दर्शन है जीवन का। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बोलो? असुर के साथ कैसा व्यवहार? असुरों जैसा। अपने को असुर नहीं बनना, उसके देवताओं के साथ देवताओं जैसा। देशों में भी अब सीमाएं बट गई, मैंने कहा ना, मैंने पहले बात कही कि अब ये तो चीजें बट चुकी, ये दुनिया के बुद्धिमान और ताकतवर लोग यदि इस दुनिया का विभाजन नहीं करते तो सारी दुनिया एक देश ही होती, सारी दुनिया में एक ही धर्म होता। ये जो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय है ना, ये चालाक लोगों ने चलाए हुए हैं। संप्रदाय परंपराएं अलग बात होती है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं अलग चीज होती है। धर्म क्या है? धर्म तो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, जो साइंटिफिक है, जो यूनिवर्सल है, जो सेक्युलर है, वो धर्म है। मैं परंपराओं का विरोधी नहीं हूं, मैं पंथों का विरोधी हूं, क्योंकि ये पंथ ना दुनिया के लिए बड़े खतरनाक हो चुके हैं। आज तक दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उसका मूल कारण राजनीतिक नहीं होगा, उसका मूल कारण सांप्रदायिक होगा, है और था। ये पंथों के कारण से सारे झगड़े होते हैं। जिनके जीवन में धर्म तत्व उतरा हुआ है वो कभी आपस में युद्ध करते ही नहीं है, वो तो प्रीतिपूर्वक रहते हैं। खैर, ये एक बहुत बड़ा सत्य है, वैचारिक तौर पर है, व्यवहारिक तौर पर यह अभी संभव नहीं है। ये सारी दुनिया के देशों की सीमाएं और ये सारे पंथ मजहब सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें दृष्टि तो हमारी साफ होनी चाहिए ना। हमारी दृष्टि में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ चाहे जग का एक व्यक्ति खड़ा हो, चाहे एक देश खड़ा हो, या सारा जग खड़ा हो, जग चाहे बैरी बन जाए, चाहे जग हमारा प्रेम करे, जग चाहे अपमान करे, जग चाहे सम्मान करे, इसकी हमें परवाह नहीं करनी, लेकिन हमारा मार्ग वो धर्म का होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए। लोग भीड़ के अनुसार अपना आकलन करने लग जाते हैं, मैं सही रास्ते पर हूं या गलत रास्ते पर। बहुत
आगे थोड़ा और स्पष्ट होगा। मेरी भी बात यदि कोई आधी सुन लेगा तो भ्रम में जाएगा सीधा, इसलिए मेरी भी बात पूरी सुन लेना। अभी बहुतों के भीतर बहुत तरह की उथल पुथल चल रही होगी, बाबा जी हम तो आए थे यहाँ समाधान के लिए, अब तो भीतर तूफान चल रहा है कि जो हम जी रहे हैं वो कहीं उसका डायरेक्शन कहीं गलत तो नहीं है। सुनो प्रीति पूर्वक, आगे क्या बोला, तीसरी बात क्या बोली, यथा योग्य, क्या तीन चार शब्द बोले थे यथा योग्य। अरे सुनो, यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य आचरण, यथा योग्य कर्म, यथा योग्य पुरुषार्थ। एक एक बात को मैं कई तरह से